हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कॉम्पिटिशन, बोर्ड एग्जाम प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि। छोटी उम्र में ही वो प्रेशर में दब जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में या रिश्तेदार में या पड़ोस में या कोई दोस्त का बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट है स्पेशली जिस पर एग्जाम का प्रेशर है, अगर वो बहुत स्ट्रेस में है, तो उन सबको आज की ये वीडियो जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है, तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम महावीर शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ श्री हनुमान जी की कृपा कहे या चमत्कार शेयर करना चाहता हूं। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं 10वीं क्लास में था और मेरे बोर्ड के पेपर्स होने वाले थे और मुझे भगवान पे मतलब ज्यादा विश्वास नहीं था। बस मैं नाम ले लिया करता, सूर्य को जल चढ़ाता और गायत्री मंत्र बोल देता। लेकिन मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब पढ़ाई लिखाई से नहीं मिल पा रहे थे और मेरे बोर्ड के पेपर्स भी पास आ गए थे। मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं। मैं इतना डरा हुआ था अपने बोर्ड के पेपर्स से और अपने भगवान की दी गई इस जिंदगी से कि क्या मतलब है इस जिंदगी का, हमें क्यों मिली और किस लिए मिली। जयेश भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना पागल हुए जा रहा था कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता या कभी लड़ाई करता। मेरे बोर्ड के पेपर्स भी पास आ गए थे, मैंने सारी तैयारी भी कर ली थी, पर ऐसी तैयारी करके या कुछ पढ़ के मुझे जिंदगी के जो सवाल थे उनके जवाब नहीं मिले। फिर एक दिन मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए YouTube में वीडियोस देख रहा था। उसी वीडियोस में से गलती से मैंने श्री हनुमान चालीसा वाली वीडियो पर क्लिक कर दिया। उसकी एक चौपाई क्या सुन ली, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई, जो कि है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप यकीन नहीं करेंगे जयेश भाई, इससे मेरी जिंदगी पलट गई और सारा डर भी छूमंतर हो गया। फिर मैंने शुरू से एक बार श्री हनुमान चालीसा की पूरी वीडियो देखी और उसे ध्यान से जाना और सुना। मेरे अंदर का जो डर था, जो टेंशन था बोर्ड के पेपर्स की वजह से, वो कैसे दूर हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि उस टेंशन की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। और जब पेपर देने भी जाता तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके जाता। आप विश्वास नहीं करोगे, श्री हनुमान चालीसा पढ़ के, उसके बारे में जान के, समझ के, मुझ में एक ऐसी अलग सी ऊर्जा आ गई थी जो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। मेरे सारे पेपर्स हो गए और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मेरा जो गुस्सा था वो हंसी में बदल गया। और श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से एक जिंदगी में जो हमें भगवान ने दी है उसका मतलब भी मुझे समझ में आ गया। फिर मेरे 3 महीने के लिए हॉलीडेज हो गए और उसी दौरान मेरी श्री हनुमान जी के प्रति भक्ति इतनी बढ़ गई कि मैं यूट्यूब पे श्री हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस देखने लगा और श्री हनुमान चालीसा का क्या मतलब है उसके बारे में भी जानने लगा। जब मैंने श्री हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई का अर्थ समझा तो पता चला कि हर चौपाई में कुछ रहस्य है, गहरा मतलब है। चौपाइयां जैसे सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, हो या
ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। हो या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। हर चौपाई का एक अलग ही महत्व है। ऐसे ही एक बार मैं एक के बाद एक श्री हनुमान जी की वीडियोस देख रहा था कि अचानक आपके चैनल की वीडियोस आने लगी। फिर मैंने आपकी एक पूरी वीडियो देखी और उसी वक्त तुरंत मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। जयेश भाई, आपकी श्री हनुमान जी के प्रति भक्ति देखकर और अनेकों भक्तों के अनुभव जो आप अपनी वीडियोस में शेयर करते हैं, उन्हें सुनकर मुझे एक अलग ही सुकून मिला। आपकी वीडियोस देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं श्री हनुमान जी के और भी पाठ जैसे हनुमान अष्टक और बजरंग बाण करना शुरू करूं और उन्हें भी डिटेल में जानूं। मैंने श्री हनुमान जी के नामों का जाप करना भी शुरू कर दिया। श्री हनुमान जी की शरण में जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इस पूरे संसार में वे ही एक देवता है जो मेरे अपने हैं और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और यहां तक कि मुझे मेरे एजुकेशन की भी क्या वैल्यू है, क्या मतलब है, आपकी वीडियोस से और श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति से समझ आया और मैं एक अच्छा प्रैक्टिकल और धार्मिक इंसान बन पाया। मेरे घर में भी मेरी मम्मी और दादी पूजा करती है, आरती गाती है। बस मैं ही एक ऐसा हूं जिसे श्री हनुमान जी महाराज की पूजा से सभी देवी देवता के दर्शन होने का एहसास होता है। मेरे पापा और मेरे भाई भी मुझे देखकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और उनके भजन भी सुनने लगे। और मैं लोगों को यही बताता रहता हूं कि हमारे प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति है और आपकी वीडियोस भेज देता हूं। अब मैं 12वीं क्लास में हूं, मन लगाकर पढ़ाई करता हूं और डेली श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ बाकी पाठ भी करता हूं और हर वक्त प्रभु का स्मरण करता रहता हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।